जो जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा 2018 के अंदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल द्वारा एक निर्णय लिया गया है, जिसमें 100% डिपार्टमेंटल प्रमोशन की बात की गई है, टीचर को लेक्चरर या मास्टर ग्रेड के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है, उसी के विरोध में हम लोग तब से लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हमारी मांग है कि इस आर्डर को रिवोक किया जाए और 80% जो है वो टीचर और लेक्चरर की पोस्ट की जो जॉब्स रिक्रूटमेंट होती है उसके अंदर 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए और 20% डिपार्टमेंटल प्रमोशन होना चाहिए। यदि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाता है, जिसके कारण 15 वर्ष तक टीचर्स और लेक्चर की पोस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से फ्रीज हो जाएंगी। यदि आज भारत सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रही है तो मैं ये पूछना चाहूँगा, यदि आज का जो छात्र जो आज PhD MPhil BEd कर चुका है MEd कर चुका है, यदि उसको आप टीचर और लेक्चरर के लिए पोस्ट ही नहीं क्रिएट करोगे तो कैसे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आज जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतना तेजी से बढ़ रहा है, यदि इस प्रकार के आर्डर आएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसलिए हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार से यहाँ के ब्यूरोक्रेसी ये मांग है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल द्वारा जो 2018 के अंदर निर्णय लिया गया उसको रिवोक किया जाए और टीचर और लेक्चरर के लिए जो भी रिक्रूटमेंट आती है, जो भी पोस्ट उनके लिए आती है, उनके अंदर 80% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए और 20% डिपार्टमेंटल प्रमोशन होना चाहिए। छात्र बहुत लंबे समय से संघर्ष करते आ रहा है परंतु जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। जो हमारे जीते हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी है उन्होंने भी आज तक इस विषय को लेकर कुछ नहीं बोला है।
इसलिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपको इसकी सेंसिटिविटी, इस पूरे इशू की सेंसिटिविटी को समझना होगा। अगर आप बेसिक शिक्षा को ही खत्म कर दोगे, यदि आप नए रिक्रूट ही नहीं करोगे, तो किस प्रकार से हमारी प्राइमरी शिक्षा, मिडिल शिक्षा या स्कूल एजुकेशन की शिक्षा के अंदर सुधार आएगा? वैसे का जैसे को तैसा ही रहेगा। इसलिए सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे वो आज की LG सरकार हो, चाहे हमारे यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हो, उनको भी इस विषय को समझना होगा और इस ऑर्डर की रिवोक की बात करनी होगी। अगर इस ऑर्डर को रिवोक नहीं किया गया, आने वाले समय के अंदर छात्र एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा, जिसकी जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन होगा, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी होगी।